नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय का अन्य विषयों से जो सह संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। सह संबंध, सबसे पहले हम सह संबंध क्या है इसके बारे में जानते हैं। विद्यालय के जो विषय होते हैं, शैक्षणिक विषय, उनका आपस में कोरिलेशन होना जरूरी है। हम किसी विषय को स्वतंत्र नहीं रख सकते, उसको दूसरे विषयों से अलग नहीं रख सकते। एक विषय से दूसरे विषय से जोड़े रखना, उनसे संबंध स्थापित करना जरूरी है, ताकि विद्यालय के अंतर्गत बालक सीखे हुए ज्ञान को अन्य विषयों से जोड़कर उस ज्ञान को व्यापक और प्रभावी ढंग से बना सके। यही सहसंबंध कहलाता है और विषयों का सहसंबंध स्थापित करना शिक्षा के लिए काफी जरूरी है और शिक्षा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विद्यालय के अंदर विषयों का आपस में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। अब हम सहसंबंध के प्रकारों के बारे में जानते हैं। सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध के तीन प्रकार हैं। पहला है शीर्षात्मक सहसंबंध, दूसरा है अनुप्रस्थीय सहसंबंध और तीसरा है व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध। तीनों सहसंबंध का अर्थ, पहला सहसंबंध है शीर्षात्मक सहसंबंध। जब एक ही विषय के जो टॉपिक्स होती है, जो विषय वस्तु होती है, उनका आपस में संबंध स्थापित किया जाता है तो वह शीर्षात्मक सहसंबंध कहलाता है। अर्थात बालक एक ही विषय की जो पाठ्य पुस्तक, उसके टॉपिक को आपस में संबंध स्थापित करते हुए उस विषय को पढ़ता है। दूसरी बात है अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अनुप्रस्थीय सहसंबंध को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है आकस्मिक, दूसरा है व्यवस्थित। अनुप्रस्थीय सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित किया जाता है, जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब अनुप्रस्थीय का जो पहला है आकस्मिक सहसंबंध, यानी जब एक विषय का सहसंबंध दूसरे विषय से अकास्मिक होता है, यानी पढ़ाते पढ़ाते दूसरे विषय से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसकी पूर्व में कोई भी प्लानिंग नहीं होती, कोई भी नीति तैयार नहीं करते। जैसे कि अगर आप इतिहास का पाठ पढ़ रहे हो तो इतिहास का पाठ पढ़ते पढ़ते आप भूतकाल की जो राजनीति है उससे अकास्मिक रूप से जुड़ जाएंगे, तो वह अकास्मिक में आता है, ठीक है। दूसरी बात है व्यवस्थित, जिसके अंतर्गत नियोजित करके व्यवस्थित ढंग से सहसंबंध स्थापित किया जाता है, जो कि पाठ्य पुस्तकों के लिए काफी जरूरी है कि एक विषय का दूसरे विषय से व्यवस्थित ढंग से सहसंबंध स्थापित करे, ताकि एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ रहे। तीसरी बात है व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध। विद्यालय विषयों का व्यवहारिक जीवन से संबंध स्थापित करना जरूरी है। हम विषयों को व्यवहारिक जीवन से दूर नहीं कर सकते और व्यवहारिक जीवन में बहुत सा ऐसा ज्ञान है, बहुत सी ऐसे पहलू हो जिसके बारे में बालक को जानना जरूरी होता है, तो इसी पहलू, इसी वास्तविकता को ध्यान में रखकर विद्यालय विषयों को व्यवहारिक जीवन से संबंध स्थापित किया जाता है। तो यह है सहसंबंध और सहसंबंध के कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में हमने जाना। अब हम राजनीति विज्ञान का जो अन्य विषयों से सहसंबंध है उसको क्रमवार जानेंगे। सहसंबंध को जानते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय का सहसंबंध, इन दोनों विषयों को आपस में किस तरह से जोड़ेंगे, इनका कोरिलेशन किस तरह से। सबसे पहली बात है इतिहास का संबंध भूतकाल से। इतिहास यानी बीता हुआ जो समय है, बीता हुआ काल है, वो इतिहास है और इसका संबंध भूतकाल से होता है, यानी कि जो पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी है, जो हो चुकी है, वो इतिहास में आती है। तो इतिहास में बहुत सी ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और उस समय की घटनाएं है जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं घटनाओं को आदर्श लेकर क्या वो घटना वर्तमान में सही है, उन घटनाओं को हम किस तरह से अनुसरण करते हैं, तो इतिहास की घटनाओं को ही हम अनुसरण करके राजनीति विज्ञान में स्थापित करते हैं। तो इतिहास भूतकाल है और उसी भूतकालीन घटनाओं को अगर हम आदर्श रूप देखेंगे तो उसको राजनीति विज्ञान में स्थापित करेंगे। दूसरी बात है मनुष्य दोनों का केंद्र बिंदु। मनुष्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान,
इन दोनों का केंद्र बिंदु है। भूतकाल की जो राजनीति है उनके मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के कौन से उस समय अधिकार थे, मनुष्य का जीवन यापन कैसा था, मनुष्य उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को कैसा ढालता था, उन सब का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। और राजनीति विज्ञान में भी नागरिकों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। तो भूतकाल से ही हम मनुष्यों दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला है, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला, राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो इतिहास है, यानी कि इतिहास की वे घटनाएं जो कि राजनीति को सफल बनाने के लिए साबित हो सकती है, उन घटनाओं का अनुसरण किया जाता है और उन घटनाओं को वर्तमान की राजनीति में स्थापित किया जाता है। तो इतिहास की सफलताओं और असफलता दोनों का ज्ञान राजनीति विज्ञान के भविष्य पर निर्धारित है कि राजनीति विज्ञान उनका अनुसरण किस तरह से करता है और उनको किस तरह से वर्तमान समय में स्थापित करता है। अगली बात है इतिहास मूल राजनीति फल। इतिहास मूल राजनीति फल है, इतिहास की घटना मूल है, उसमें कोई है नहीं, एक राजनीति फल है, उसी के अनुसार उसका फल निर्धारित होता है। उसने तो जड़ वही है लेकिन वास्तव में उसका फल राजनीति ने दिया है। अगली बात है राजनीति विज्ञान भावी इतिहास का निर्माता, वर्तमान की राजनीति आने वाले समय में इतिहास बन जाएगी, यानी समय रुकता नहीं है, समय बदलता रहता है, तो आज का समय आने वाले समय में इतिहास बनेगा, तो वर्तमान की जो राजनीति है वो आने वाले समय में इतिहास का रूप धारण कर लेगी। तो आज हमने राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है उनके बारे में जाना। अब इन्हीं संबंध के साथ साथ इसमें कुछ अंतर भी है, तो वो प्रमुख अंतर हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इतिहास का संबंध भूतकाल से है, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीति विज्ञान भूत के साथ साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ भविष्य, इन तीनों बातों का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान भूत वर्तमान भविष्य तीनों के आधार पर चलता है। इतिहास तथ्यात्मक है, जो तथ्य है तथ्यों के आधार पर इतिहास का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन राजनीति का विवरणात्मक है, विवरणों के आधार पर ही राजनीति चलती है। तो ये है राजनीति विज्ञान के प्रमुख अंतर। तो आज की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सहसंबंध को जाना, सहसंबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं और राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय में सहसंबंध किस प्रकार से है और इन सहसंबंध के साथ ही साथ इसमें अंतर भी किस तरह से, इसके बारे में हमने जाना। थैंक यू। कार्य है सहसंबंध का अर्थ बताते हुए इतिहास व राजनीति विज्ञान में सहसंबंध को बताइए।